परेशान हो गए थे, कहाँ नहीं ढूंढा आपको। और आपको पता है रोहन कितना रोता था आपको याद करके। और जाई जी, मैं ना छोटे पापा जी के चंगुल से बच के यहाँ पहुंचा था आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए, लेकिन मुझे ना बाहरी दरवाजे के बाहर छोटे पापा जी ने पकड़ लिया और दोबारा अपने गुंडों के हवाले कर दिया। क्या? हाँ परजाई जी, एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसके आदमी अचानक कहीं चले गए। मैं किसी भी तरह अपने आप को बचा के इस पिंड में पहुंचा और यहाँ के खबर मिली कि शमशेर और कालेश्वर जो हैं उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने तो हम सबका भरोसा तोड़ा है। परसाई जी, एक बात ना किसी ने एकदम सही बोली है कि जब रब की लाठी पड़ती है ना कि कोई आवाज नहीं होती। जो कुछ भी हुआ वो उनकी करनी का फल था, लेकिन फिर भी अगर घर का कोई सदस्य मुश्किल में हो बहुत दुख होता है। दुख ना उसी को होता है जिसका मन चंगा होता है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया रावी के साथ। वो लोग तो दुश्मनों के बच्चों को भी गले लगा लेते, वो तो खुद अपने बच्चे का गला काटने में लगे हुए थे। रब ने ना एक झटके में सारा हिसाब बराबर कर दिया। इसलिए कहते हैं ना वीर जी, रब से हमेशा डरना चाहिए। सबको पता है वीर जी, आपके जाने के बाद पिंड में क्या क्या हुआ है। कोई एलियन यहाँ आ गया था, वो रावी का दोस्त बन गया, रावी उसे कर ले आई, न चाहते हुए मुझे उसे यहाँ रखना पड़ा। रावी ने इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं देखा। ओ, परचाई जी, एक बात है, चोट खाया सांप ना और भी खतरनाक होता है। अब शमशेर और कालेश्वर जब जेल से छूटेंगे ना तो कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। परचाई जी, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही होता अगर रावी के पास होता मैजिक मोबाइल। जो भी हो वीर जी, मैनू तसल्ली है कि अब आप वापस आ गए, अब रावी की चिंता खत्म, अब आप उसकी हिफाजत करना। ये बात तो है परजाई जी, मैं हूं ना। लेकिन मेरी हिफाजत तो तुम्हारे हाथ में है राहुल, और अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। नहीं रविंदर, जो भी है उसमें तुम्हारी बुद्धि और समझदारी का सबसे बड़ा हाथ है। अकल तो सब में होती है, पर हर एक इंसान अकलमंद नहीं होता। तुम अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहते, पर सच तो यही है। तो वाहेगुरु जी की कृपा है, लेकिन ये भी सच है, जब से तुमने मुझे ये मैजिक मोबाइल गिफ्ट किया है तब से मुझे कोई चिंता नहीं रहती। पर मुझे बहुत चिंता रहती है। किस बात की? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें मैजिक मोबाइल के पूरे फंक्शंस के बारे में नहीं पता है। हाँ, मुझे सिर्फ पहले और पांचवे वाले के बारे में पता है और किसी के बारे में नहीं।
इसीलिए कहता हूँ मुझे तुम्हारी चिंता है। अब ध्यान से सुनो, अब देखो इसमें कुल 8 बटन है। मासी जी आप मुझे कहाँ ले जा रही है? मुझे रविंद्र के पास जाना है। फिर मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ तुझे बहुत सारी खुशी मिलने वाली है। क्या बहुत सारी खुशियाँ? हाँ हाँ चल 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 चल, आंखें बंद रख, चलो बाकी खोल। पुत्र जी। पापा जी उसे कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको रोज याद करता था और रोता भी था। पुत्र तेरे पापा जी ना तुझे हर कड़ी याद करके वो भी रोते रहते थे। तो फिर आप हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए थे? पुत्र तेरे पापा जी ना किसी जरूरी काम से बाहर गए थे, अब वो आ गए हैं ना, अब वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे, है ना वीर जी? बिल्कुल रहेंगे परजाई जी, और हमरे साथ भी। रंजन भाई साहब। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। आप कब आए? अरे बस बाइक पटक के सीधा आप ही के पास आ रहे हैं। अरे हमरा बॉडी ने कहा, अरे रंजन सिन्हा इतना लंबा यात्रा करके आ रहे हो, कहीं आराम उराम कर लो। लेकिन नहीं, हमने अपने बॉडी का एक नहीं सुना है? हमरा मन कहता है कि भाभी माँ समान होती है। अरे आराम का क्या है, मरने के बाद तो आराम ही आराम है। और जसवीर भाई क्या हाल चाल है, ठीक कहे ना हम? पता नहीं। अरे भाभी जी हम लड़का जने हैं, हमारा मतलब है कि हमको बेटा हुआ है, जमुनिया का छोटा भाई। अरे यही खुशखबरी देने के लिए तो हम इतना दूर अमृतसर से यहाँ आ गए। ये लीजिए मिठाई। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। धन्यवाद भाभी। हमने सोचा कि खुशखबरी भी दे देंगे और इसी बहाने जमुनिया रविंदर से भी मिल लेगी। बहुत जिद कर रही थी कि रविंदर से मिलना है, रविंदर से मिलना है। आइए ना बैठिए, आइए। चलिए आइए। लिखा कब हुआ और हमको किसी ने बताया भी नहीं। ओ बाप रे, सरपंच जी। सरपंच अब आप तो नहीं रहे, अब जब आप चले ही गए हैं तो हमको धर्मपुरा में वापस आ जाना चाहिए। अरे अमृता भाभी को तो हम एक ही झटके में लपेट लेंगे। अरे जसबीरवा का तो इतना योग्यता है हमरे में, उसको अपना रास्ता से हटा ही देंगे। फिर धर्मपुरा का इतना माल चाटेंगे, इतना माल चाटेंगे कि चीटी भी भूखी रह जाएगी। ओए ओए इत्थे आई। क्यों होया है? का बताए जसवीर भाई, दिल का बात, हमारा मतलब है दिल का बात जुबान पर आ गया। और आप तो जानते ही हैं कि हमारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। भाभी जी भगवान गवाह है, सरपंच जी को हम पिता समान मानते थे। पिताजी,
छोड़कर जाने के बाद हमको ऐसा महसूस होता है जैसे हम अनाथ हो गए। अनाथ। भाई साहब संभालिए अपने आप को। अंकल जैमिका है, मेरा मतलब है जमुनिया कहाँ है? अरे जमुनिया हो गजब हो गया, ओ जी गजब हो गया, परजाई जी गजब हो गया। वो धर्मपुरा से ना बच्चे गायब हो रहे हैं। पुत्री प्रजी साफ से बताइए की गल है? परजाई जी वो अपना काका सरदार जी है ना और सतनाम उनके बच्चों को ना कोई उठा के ले गया। अरे और किसी को कोई खबर नहीं है कि ये सब कैसे होया। अरे काम बकवास कर रहे हो, हमारी बेटी जमुनिया कहाँ है? ओ भाई साहब वो आप ना परेशान मत हो, हम ना अभी देख कर आते हैं। ओ जसवीर ओ चल परा देख के आते, जल्दी आ जा। आ जा वीर जी, वीर जी देख। भाई जी आप अपना ख्याल रखना ठीक है। कैसी खबर है, हमारी जमुनिया गायब है? अरे जमुनिया कहाँ गए? हाँ मैं सारे फंक्शन के बारे में समझ गया हूँ, थैंक यू राहुल। मैं आई कम इन। यस यू कैन कम बंदरिया, मेरे कहने का मतलब है मिस जेमी। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? तुम्हारी आवाज से। बस तुम्हें मेरी आवाज अभी तक याद है? हाँ दोस्ती का मतलब यही होता है कि उसके दोस्त को उसकी हर बात याद रखनी चाहिए। तुम बहुत समझदार हो गए हो। हाँ तुमसे कम, लेकिन तुम कब भाई? अभी अमृतसर में वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था और मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा कि तुमसे मिलने आ जाओ। अकेले आई हो? नहीं पापा के साथ आई हूँ। जमुनिया 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 कहाँ चले गई थी तू? हैं कहाँ चली गई थी? पापा कितनी बार कहूँ मेरा नाम जमुनिया नहीं जामी है। हाँ हाँ जेमी जेमी। तुम दोनों यहाँ हो, रंजीत चाचू और जसवीर चाचू जमुनिया को ढूंढने बाहर गए। चाचू आ गए? हाँ पुत्र तेरे जसवीर चाचू वापस आ गए। जा पुत्र तू उनको वापस बुला ला। पुत्र तू ठहर, तू बाहर मत जा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ पापा, सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बिटिया धर्मपुरा में सुबह से 3 बच्चे किडनैप हो चुके हैं। हाँ अरे इसीलिए तो अमृता भाभी ने रविंदर को रोक लिया। ओ एक मिनट ओ पहले मेरी बात सुनो। ओ आप लोगों को परजाई जी से जो भी बात करनी है ना वो अंदर चढ़ के करो। आ जाओ आ जाओ। बच्चों जाओ तुम सब जाके ऊपर खेलो। जाओ 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 तुम भी जाओ जाओ ऊपर जाके खेलो। जाओ ओ परजाई जी वो आ गए गांव वाले। क्यों होया? परजाई जी मेरा पुत्र बिल्लू बिल्लू ने पकड़ ले गए। ओ आए गुरु मैंने किसी का क्या बिगाड़ा सी जो मेरे बिल्लू ने। धर्मपुरा में हम लोग हमेशा से सुरक्षित रहे पर सरपंच जी के जाने के बाद ना जाने कैसी समस्या शुरू हो गई है। परजाई जी जब पिंड में हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, इसमें धर्मपुरा छोड़ने की क्या बात है? ऐसे कैसे कोई बात नहीं, हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं और हम शांत बैठे रहे। अरे रंजन भाई साहब सतनाम प्राजी ऐसे शोर मचाने से क्या मिलेगा? परजाई जी पूरा पिंड रविंद्र भवन से बना हुआ है, हम अपना सुख बांटने यहाँ आते तो दुख बांटने कहाँ जाए। मेरा वो मतलब नहीं था,
इस घर पर आप सबका भी हक है और हम हमारी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। उन बदमाशों को जरूर पकड़ेंगे। वीर जी, आप तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट करवाइए। ओ पाई जी, ओ पुलिस इंस्पेक्टर साडा जानने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। चलो जी, चलो। आ जाओ वीर जी। बच्चों का अपहरण करने वाला कौन हो सकता है? बॉस, काम हो गया है। आज पूरे 3 बच्चे किडनैप कर लिए। टक्कर सिंह बहुत खुश हुआ। कहाँ है बच्चे? हमें उनके पास ले चलो। आइए बॉस। तू बंदर, तू बिल्ली। जय मैं बिल्ली है, तू बिल्ली है, समझी? तू बिल्ला, तू बंदर। और हाँ, बंदरिया भी है। तू बंदा, तू बिल्ला। अब बोल, क्या करेगी बंदरिया? चलो कुछ खेलते हैं। मेरा मूड नहीं है। अरे, मैं इतनी दूर से आई हूँ तुमसे मिलने और तुम्हारा मूड नहीं है? मिलने आई हो या बोर करने? तुमसे तो अच्छे मेरे रांची वाले दोस्त हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? अपनी आरती उतरवाने? अब जैमी तुमसे बात नहीं करेगी। धन्यवाद बंदरिया जी। लगता है रावी ने कोई नया वीडियो गेम लिया होगा। और तुम बंदर हो और जैमी हेट्स यू। अच्छा, जैमी बिल्ली, यू हेट मी। बिल्ली तो म्याओ म्याओ करती है और तू हेट यू हेट यू करती है। बंदर बिल्ला, बंदर और तू होगी बिल्ली 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 बंदर बिल्ला बंदर बिल्ली। म्याओ म्याओ। ये इस वीडियो गेम से चलने लगी है क्या? म्याओ 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 म्याओ। दोबारा बटन दबा कर देखता हूँ। म्याओ 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 इसका सत्य 10 मिनट तक रहेगा। लगता है मुझे इन लोग से इन लोगों को छुपाना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? मुझे छोड़ दो अंकल, मुझे अपने बिब्बी की याद आ रही है। मुझे घर जाने दो मम्मी के पास। चुप, आजा बॉस, पूरा काम हो गया बॉस। गुड, सही किया इन बच्चों को यहाँ ले, अच्छा किया। बस बस बस। कौन है ये बच्चे, क्यों रो रहे हैं? ये किडनैप हो गए ना बॉस, इसलिए रो रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती इन मासूमों पर अत्याचार करते हुए? बस आपने तो कहा था। बदतमीज, मेरे सामने झूठ बोलता है। रस्सी खोलो इन बच्चों की। बॉस, अगर बच्चों को छोड़ देंगे तो आपके प्लान का क्या? अरे बॉस की याद आ चली गई। बॉस के पीछे तपली मार, वापस वापस आ जाए। मारो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे सर पे टपली मारी? बॉस, आपके सर पे मच्छर बैठा होता, मैं उड़ना था। मच्छर की औलाद? मच्छर उड़ा नहीं सकता था। और इनकी रस्सी किसने खोली? बंद जी बॉस। और सिर्फ 3 बच्चे? आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। कल तक 10 बच्चे आ जाने चाहिए। अभी कुछ बच्चे जालंधर से आ रहे हैं किडनैप होकर। जालंधर के बच्चे यहाँ भीख मांगेंगे, वो हमारी जेब भरेंगे। और वहाँ के बच्चे दिल्ली जाके भीख मांगेंगे, वो भी
हमारी जेब भरेंगे। तो बिल्ली, तो बंदर। बंदरिया, बंदरिया, बंदरिया। तो पहले तो करो ये झगड़ा। तुम लोग झगड़े के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। रोहन, तुम बॉलिंग करो और जेमी, तुम फील्डिंग करो, ओके? ए जमुनिया, वो क्या देख रही है? जा जाकर बॉल लेकर आ। मैं बॉल लेकर आऊं? भूल जा। देखा, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं खेलना चाहता था। तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? सिर्फ तुझसे ऐसे बातें करता हूँ और किसी भी लड़की से ऐसे बात नहीं करता। पूछ रविंदर से, मैंने इसके साथ कभी ऐसे बात की? रोहन सियप्पा, पर रविंदर तो लड़का है, फिर उसने ऐसे क्यों बोला? वो मैं इसके कहने का मतलब है कि ये लड़कियों से कभी ऐसे बात नहीं करता और आगे कभी नहीं करेगा। जैमी, तू ये सब छोड़ ना, देख कितना मजा आ रहा है, जा बॉल लेकर आ। तू कहता है तो जाती हूँ, अगली बार ये मोटू लाएगा। ओए रॉकेट। हाँ जी। और एक शिकार, बच्चा नंबर 4। हाँ जी, हाँ जी। तो बता, अगर जैमी को नुकसान पहुंचाए तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा।